हिमाचल पेंशनर हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक वरिष्ठ उप प्रधान रंजीत ठाकुर की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हुई। इसका संचालन महासचिव शंभूराम जसवाल ने किया। चर्चा में भाग लेने वालों में संघ संस्थापक पीडी शर्मा, प्रदेश उप प्रधान सुभाष शर्मा, टोनी देवी खंड प्रधान सालिग्राम ठाकुर, प्रदेश वरिष्ठ उप प्रधान लेखराम शर्मा, महिला सचिव विष्णी देवी, बिज्जड़ खंड महासचिव परशुराम ठाकुर, हमीरपुर खंड प्रधान करमचंद, नदौन खंड प्रधान पुरुषोत्तम दास शर्मा आदि प्रमुख रहे। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों, समस्याओं तथा संघ की वर्तमान गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। संघ संस्थापक वीडी शर्मा द्वारा हमीरपुर में स्थापना दिवस के सफल आयोजन पर जिला इकाई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व समस्त पेंशनरों का स्थापना दिवस के सफल आयोजन पर सहयोग करने के लिए आभार जताया गया। जो हमारी मासिक जिला की मीटिंग होती है वो आज हुई, और इसमें जो हमारे जिले से विभिन्न ब्लॉकों से प्रतिनिधि आए हुए थे, उनमें पेंशन के बारे में जो उनकी डिमांड्स और जो उनका कईयों की जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में, मेंबरशिप के बारे में हमने बातचीत की, तो उनका समाधान के लिए जो है हम प्रत्येक माह में दूसरे सोमवार को मीटिंग करते हैं। इसके उपरांत हमारा जो स्टेट का एक फंक्शन हुआ 29 मार्च को, उसके बारे में जो हमारी यहाँ की जो स्टेट के सभी लोग आए हुए थे उनकी उनको भोजन की व्यवस्था की हुई थी और उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था, उसके बारे में चर्चा हुई कि क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या, ताकि हम जो है आगे जो भी फंक्शन हो उसको सुधारा। वो पहले की चली हुई है अंदाज 15 के बारे में, वो हमने ऑलरेडी जो नए मुख्यमंत्री माननीय हमारे ठाकुर जयराम जी को दी हमने है। और इसके उपरांत अब जब भी उनको कोई यहाँ नियर बाई होगा तो आगे जब हमारा फंक्शन होगा तो हम उनको बुलाएंगे विधिवत रूप से, या फिर हमारे को जैसे भी हमारा स्टेट जो बॉडी है वो अगर चाहे उचित समझेगी तो हम जाके शिमला जाके उनको अपनी डिमांडों के बारे में वहाँ बताएंगे।